जय श्री राधा माधव। सद्गुरु देव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, भगवत प्रेम का आनंद इतना महान है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। स्वर्गीय अमृत से इसकी क्या तुलना होगी। प्रेमानंद के सामने सभी आनंद तुच्छ हो जाते हैं, पर प्रेमानंद के उदय होने पर ही ऐसी दशा होती है। जब तक हम विषयों के मोह में पड़कर अंधे हो रहे हैं, तब तक भगवत प्रेम का उदय होना संभव नहीं है। सत्य को ग्रहण करना चाहिए। जगत कुछ भी क्यों ना कहे, जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। जगत के ना मानने से सत्य मिटता नहीं। यदि हम बहुमत से पास कर दें कि सूर्य कोई वस्तु नहीं, तो क्या सूर्य हमारे ऐसा पास कर देने से नहीं रहेंगे, रहेंगे ही। इसी प्रकार सत्य वस्तु भगवान तो किसी के ना मानने पर भी रहेंगे ही। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। जो भगवान में मन लगाता है वही बुद्धिमान है। पारस को छोड़कर घुंची लेने वाला जीवित रह जाता है, पर वह तो इससे भी अधिक मूर्ख है कि जो अमृत छोड़कर जहर लेता है। विषयों में मन लगाना तो अमृत छोड़कर जहर ही लेना है। विषय रूप जहर लेकर अमर होना चाहे, यह कितनी मूर्खता है। मनुष्य विषयों को समीप बुलाता है और चाहता है कि अमर रहूं, यह कैसे संभव है। जिसने विषयों का मोह छोड़ दिया उसने बड़ा भारी काम कर लिया। जो असली धन को नहीं खोए वही चतुर है। असली धन है भगवत भजन, भगवत स्मरण। विषयों की चाह में जीव विषाद शोक में बिताता है। विषयों को पाने के लिए जीवन भर पाप की कमाई होती है, जिसका परिणाम भी विषाद और दुख ही होता है। इस प्रकार विषयों में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। मोह में पड़ी हुई बुद्धि विचार नहीं कर पाती, पर सोचो यहाँ की कौन सी वस्तु साथ जाएगी। इसके पहले भी, इस जीवन के पहले भी तो हम कहीं थे, वहां से हम क्या साथ लाए। क्या कभी पूर्व जीवन की बात याद भी आती है, स्मरण करने की इच्छा भी होती है। ठीक यही दशा इस जीवन के बाद भी होगी। जय श्री राधा माधव।